हेलो गाइस, दिस इज़ अभय अग्रवाल और अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 43 चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज का। तो इस क्वेश्चन में लिखा है कि एक फिगर है विच शोज़ अ स्प्रिंग फिक्स एट द बॉटम एंड ऑफ एन इंक्लाइन ऑफ इंक्लिनेशन 37 डिग्री। तो ये स्प्रिंग दिख रही होगी, इंक्लिनेशन एंगल 37 डिग्री है। अ स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास 2 kg स्टार्ट स्लिपिंग डाउन द इंक्लाइन फ्रॉम अ पॉइंट 4.8 मीटर अवे फ्रॉम द स्प्रिंग। इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 kg का ब्लॉक है और यहाँ पर स्प्रिंग है ना। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो दूरी है वो है 4.8 मीटर, ठीक है। और यहाँ से अपन इस ब्लॉक को स्लाइड करना स्टार्ट किए हैं, ठीक है। ये लिखा हुआ है स्टार्ट स्लिपिंग, ठीक है। इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई? 0 हो गई। अब द ब्लॉक कंप्रेसेस द स्प्रिंग बाय अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, स्टॉप्स मोमेंटरी एंड देन मोमेंटरली एंड देन रिबाउंड थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर अप द इंक्लाइन। इसका मतलब क्या बोला है कि ब्लॉक नीचे आया है ना, ब्लॉक नीचे आया यहाँ तक, उसके बाद ये फर्दर 20 सेंटीमीटर और नीचे गया, ठीक है, स्प्रिंग को कंप्रेस करते हुए, और यहाँ पर जाके मोमेंट्री रेस्ट पे आके, अब मोमेंट्री रेस्ट पे आ जाएगा वो, है ना भाई। पर अब स्प्रिंग काफ़ी कंप्रेस हो चुकी है तो स्प्रिंग उसको वापस धक्का मारेगी, तो स्प्रिंग के धक्के की वजह से वो वापस कहाँ चले गया? 1 मीटर ऊपर चले गया, ठीक है। और फाइनल पोजीशन उसकी यहाँ हो गई, ठीक है। तो ये जो मोमेंट्री रेस्ट वाली पोजीशन है वहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी दी हुई है? 1 मीटर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन की कहानी है। अब इस क्वेश्चन में फ्रिक्शन कोफिशियंट और स्प्रिंग कांस्टेंट अपने को निकालने के लिए बोला हुआ है, ठीक है। तो अपन थोड़ा आप सफाई से बनाते हैं डायग्राम को। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है? 4.8, और स्प्रिंग को अपन कितना कंप्रेस कर रहे हैं? 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये वाली दूरी हो गई अपनी कितनी? 4.8 मीटर, और 20 सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है भाई? 0.2 मीटर, ठीक है। तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? 5 मीटर हो गई, ठीक है ना। यानी कि इनिशियली जब ब्लॉक को स्लाइड करना स्टार्ट किया अपन, जब उसकी वेलोसिटी 0 थी, से लेकर इस पॉइंट को मैं ए बोल लेता हूँ और इस पॉइंट को मैं बी बोल लेता हूँ, ठीक है ना। जब वो वापस मोमेंट्री रेस्ट पे आ गई, उस पॉइंट को मैं बी बोल ले रहा हूँ, तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना है ए से लेकर बी तक? 5 मीटर है, ठीक है। तो ए से लेकर बी तक मैं लगा सकता हूँ वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है ना। वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकता हूँ मैं, और वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है भाई? कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो वर्क डन बाय ऑल विल बी इक्वल टू डेल्टा के, पर डेल्टा के क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनिशियली भी स्पीड 0 है और फाइनली भी स्पीड क्या है? 0 है। तो 0 माइनस 0 क्या हो गया? 0 हो गया, ठीक है। अब वर्क डन बाय ऑल में क्या क्या आएगा? कौन कौन से फोर्सेस प्रेजेंट है भाई? एक तो स्प्रिंग फोर्स प्रेजेंट है, एक ग्रेविटी प्रेजेंट है, एक नॉर्मल रिएक्शन प्रेजेंट है और एक फ्रिक्शन प्रेजेंट है। तो ये चारों वर्क करेंगे, लेकिन वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग द इंक्लाइन हो रहा है और नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लगता है? परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन। तो परपेंडिकुलर फोर्स कभी भी वर्क नहीं करते, है ना। डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो फोर्स होता है उसका वर्क क्या होता है? 0 होता है, ठीक है। अब वर्क डन बाय स्प्रिंग क्या होएगा? स्प्रिंग का वर्क डन होएगा माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन क्या होता है? माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा? वर्क डन बाय ग्रेविटी भी वही हो जाएगा, माइनस ऑफ डेल्टा यू जी, यानी कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी विद अ माइनस साइन, ठीक है। और वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होगा? सोचो, जब ये ब्लॉक नीचे आ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट इसका डाउन द इंक्लाइन है, जबकि फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? पीछे की तरफ लगेगा, ठीक है। और फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी? फ्रिक्शन की वैल्यू होगी म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है ना भाई। और नॉर्मल रिएक्शन कितना है? एम जी कॉस थीटा। क्योंकि अगर मैं एफ बी डी बनाऊँगा इसकी, तो एम जी का एक कंपोनेंट लग रहा है यहाँ पर एम जी कॉस थीटा, और यहाँ पर क्या लग रहा है? एम जी साइन थीटा। ऊपर लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन और पीछे की तरफ लग रहा है फ्रिक्शन, ठीक है। तो ये नॉर्मल रिएक्शन एम जी कॉस थीटा के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन वाले डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, यानी कि इस डायरेक्शन में क्या है? इक्विलिब्रियम है, ठीक है ना। यानी कि परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन वाले डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम है।
तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या हो गई, एम जी कॉस थीटा। तो फ्रिक्शन की वैल्यू हो गई म्यू इंटू एन, दैट इज म्यू इंटू एम जी कॉस थीटा। अब थीटा मतलब ये है ना 37 डिग्री, ठीक है ना। तो म्यू की वैल्यू अपने को नहीं पता, एम की वैल्यू दे रखी है अपने को 2 kg, जी की वैल्यू दे रखी है 10, तो एम जी हो गया 20, और कॉस थीटा कितना हो गया, कॉस 37 यानी कि 4/5, तो ये हो गया 16 म्यू, ठीक है। तो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है, 16 म्यू है, ठीक है। अच्छा फ्रिक्शन की वैल्यू, तो फ्रिक्शन 16 म्यू है। डिस्प्लेसमेंट कितना है टोटल, 5 मीटर का, ठीक है ना भाई। पॉइंट ए से लेकर बी तक में टोटल वो 5 मीटर की डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, और डिस्प्लेसमेंट और फ्रिक्शन का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, ठीक है। तो इसका मतलब वर्क डन बाय फ्रिक्शन के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ एस कॉस ऑफ 180, ठीक है ना, इक्वल टू व्हाट, 0। अब माइनस ऑफ डेल्टा यू एस यानी कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग विद अ माइनस साइन। डेल्टा यू एस क्या हो जाएगा भाई, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, किसकी बात कर रहे हैं अपन, स्प्रिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर से एक माइनस साइन, डेल्टा यू जी यानी कि यू फाइनल माइनस यू इनिशियल ग्रेविटी वाला, ठीक है ना। दो अलग अलग पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पर, ये स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी है और ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। प्लस एफ एस कॉस थीटा, एफ कितना है, ये रहा 16 म्यू, है ना। तो 16 म्यू, एस कितना है 5 मीटर, ठीक है, और कॉस ऑफ 180 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, इक्वल टू व्हाट, 0, ठीक है। अब स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी की बात करता हूँ मैं, इनिशियली भाई ब्लॉक ऊपर है, यहाँ पर है ब्लॉक ऊपर, ठीक है। इनिशियली ब्लॉक ऊपर है अगर, तो स्प्रिंग रिलैक्स्ड है ना, स्प्रिंग तो नीचे है, इसका मतलब इनिशियली स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0 है, ठीक। अब जब फाइनली जब ब्लॉक यहाँ बी पोजिशन पे आ गया, तो स्प्रिंग को कितना कंप्रेस कर चुका है वो, 0.2 मीटर, तो इसका मतलब फाइनली स्प्रिंग की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी है, हाफ इंटू के इंटू 0.2 का स्क्वायर, ठीक है ना भाई। हाफ के एक्स स्क्वायर होती है स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी, वेयर एक्स इज़ द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजिशन, या एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजिशन, सॉरी मैं गलत बोल दिया, फ्रॉम इट्स नेचुरल लेंथ। अब चाहे स्प्रिंग कंप्रेस हो चाहे एक्सटेंडेड हो, है ना, पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर होती है, एक्स जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम दी नेचुरल लेंथ होता है, ठीक है। तो अपने पास ये आ गया माइनस, अब यू एफ क्या है, ग्रेविटी, ग्रेविटी की फाइनल पोटेंशियल एनर्जी और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस क्या होगा, सोचो। ये ब्लॉक नीचे 5 मीटर गया है डाउन द इंक्लाइन, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में ये इतना गया है सिर्फ, ठीक है ना भाई। तो अगर मैं इस ट्राइंगल को ड्रॉ करूँगा, तो ये 5 है, ये एंगल 37 है, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, और ये 4 हो जाएगी, ठीक है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में ब्लॉक सिर्फ 3 मीटर गया है और नीचे गया है, ठीक है ना। तो जो ये डेल्टा यू जी है यानी कि माइनस यू एफ माइनस यू आई, वो कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ एम जी इंटू एच, ठीक है ना। और एच की वैल्यू कितनी है, 3 है, और एम जी की वैल्यू कितनी है, 20 है, ठीक है ना भाई, 2 इंटू जी। तो एम जी एच कितना हो गया, 60 हो गया, ठीक है। तो इसको मैं सीधा लिख देता हूँ -60, ठीक है ना। -60 क्यों लिखा हूँ मैं, क्योंकि ब्लॉक नीचे आ रहा है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी घट रही है, ठीक है। प्लस प्लस तो हटाओ, माइनस आ जाएगा, -80 म्यू इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बन रही है अपनी, ठीक है। इसको थोड़ा और सिंपलीफाई कर लेते हैं अपन, फ्रिक्शन को ध्यान रखना, फ्रिक्शन 16 म्यू आया है ना, वो बाद में फिर से काम आएगा। अब देखो भाई क्या क्या बना अपने पास, ये 0.2 का स्क्वायर यानी कि 0.04, 0.04/2 कितना हो जाएगा, 0.02, ठीक है। तो माइनस के इंटू 0.02, माइनस माइनस प्लस हो गया, +60, -80 म्यू इज इक्वल टू 0। अब इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ। इस इक्वेशन में दो वेरिएबल हैं, एक तो के है और दूसरा म्यू है, तो ये इक्वेशन सॉल्व नहीं की जा सकती, है ना भाई। तो एक इक्वेशन अपने को और लेके आना पड़ेगा, वो कहाँ से आएगी देखते हैं अपन, इसकी कहानी ख़त्म किया जाए। ए से लेकर बी तक की कहानी ख़त्म, है ना। ए से लेकर बी तक की जो भी कहानी थी उसको यूज़ करके अपन एक इक्वेशन बना लिए। अब दूसरी इक्वेशन कहाँ बनेगी देखना,
अब क्वेश्चन में अपने को क्या गिवन था कि ये ब्लॉक वापस ऊपर गया है ना भाई, पहले वो मोमेंट्री रेस्ट पे आया बी पॉइंट पे, फिर ऊपर गया, ऊपर वो ऐसे गया ठीक है, इस डायरेक्शन में, कितना ऊपर गया 1 मीटर ऊपर गया। तो सोचो जब वो ऊपर जा रहा होगा तो फ्रिक्शन उस पर पीछे लग रहा होगा और डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ कितना है, 1 मीटर है ठीक है। बी से लेकर इस पॉइंट को मैं सी बोल लेता हूँ, तो ये टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 1 मीटर ठीक है। अब फिर से वही चीज़ करूँगा, वर्क एनर्जी थ्योरम ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम, फिर से वर्क डन बाय ऑल इज इक्वल टू जीरो, फिर से वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन, तो जीरो आ जाएगा है ना, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन सेम लॉजिक से। तो ग्रेविटी, फ्रिक्शन और स्प्रिंग फोर्स, इन तीनों का वर्क क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होगा सोचो, फिर से फ्रिक्शन की डायरेक्शन पीछे की तरफ है और डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ है ठीक है। तो एफ एस कॉस 180, एफ की वैल्यू कितनी है, 16 μ है ना भाई। ब्लॉक ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, नॉर्मल डायरेक्शन नहीं बदलेगा, तो फ्रिक्शन की वैल्यू भी नहीं बदलेगी ठीक है। तो 16 μ एफ हो गया, एस कितना है इस बार, 1 है, और कॉस ऑफ 180 कितना हो जाएगा, -1 ठीक है। तो ये आ गया वर्क डन बाय फ्रिक्शन। वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होता है, माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ठीक है। अब ब्लॉक ऊपर जा रहा है, इस बार ब्लॉक कितना ऊपर जा रहा है, 1 मीटर ऊपर जा रहा है अप द इंक्लाइन, पर वर्टिकल डायरेक्शन में वो कितना जा रहा है भाई, ये एंगल 37 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, 1 × 3/5, 1 sin 37 यानी कि 0.6 ठीक है। तो भले ही वो अप द इंक्लाइन 1 मीटर जा रहा है, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में वो 0.6 मीटर ऊपर जा रहा है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, एम जी यानी कि 20 × 0.6 एच, एम जी एच ठीक है। वर्क डन बाय ग्रेविटी हो गया, अब वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स क्या हो जाएगा, अगेन माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग ठीक है। अब बी से लेकर सी में ये फाइनल पोजीशन है और ये इनिशियल पोजीशन है। जब ब्लॉक ऊपर जाएगा तो सोचो स्प्रिंग को अपने साथ लेके नहीं जाएगा वो, जैसे ही ब्लॉक इस पोजीशन को क्रॉस किया यानी कि स्प्रिंग की नेचुरल पोजीशन को, ऊपर जाते समय जैसे ही वो स्प्रिंग की नेचुरल पोजीशन को क्रॉस करेगा, स्प्रिंग और ब्लॉक डिटैच हो जाएंगे। जब सी पॉइंट पे ब्लॉक रहेगा तो स्प्रिंग अपना फिर से रिलैक्स स्ट्रेंथ में आ जाएगी ठीक है, मतलब फाइनली स्प्रिंग रिलैक्स पोजीशन में ठीक है। तो -0 आएगा, सॉरी फाइनली 0 है, तो 0 माइनस इनिशियल, भाई चेंज का मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल है ना। और वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, -ΔU, तो माइनस ऑफ फाइनल माइनस इनिशियल। अब इनिशियल क्या है, ½ kx² ठीक है। इनिशियली जब वो बी पॉइंट पे था तो एक्स कंप्रेशन कितना था, 0.2 था, तो क्या आएगा यहाँ पर, ½ kx² ठीक है। तो उसको यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये तो बस मैं समझाने के लिए बता दिया। तो फिर से वो इक्वेशन बनेगी, ½ × k × 0.02 का, सॉरी 0.2 का स्क्वायर यानी कि 0.04, 0.04/2 करोगे तो क्या आ जाएगा, 0.02 आ जाएगा है ना। तो मैं इसको सीधा लिख देता हूँ, -0.02 k ठीक। अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो -16 μ -12 हो जाएगा, 20 × 0.6 है ना, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो +0.02 × k इज इक्वल टू 0। इसको मैं बोल लेता हूँ इक्वेशन नंबर 2 ठीक है। अब कुछ नहीं बचा यार, ये दो इक्वेशन, दो वेरिएबल का सिस्टम हो गया, सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा है ना। ये सबको मिटा देते हैं अपन, अब ये साफ दिख रही होगी, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म इक्वल एंड अपोजिट है, तो दोनों इक्वेशन को ऐड कर देता हूँ तो गायब हो जाएगा है ना। तो अगर मैं 1 + 2 करूँगा तो क्या आएगा, 16 μ और ये 12, और +60 -80 μ इज इक्वल टू 0 है ना, ये वाला टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएगा ठीक है। तो कितना आ गया भैया, ये 96 μ इज इक्वल टू 60 − 12 यानी कि 48 हो गया ठीक है। तो म्यू की वैल्यू आ गई 0.5, 48/96 करोगे तो क्या आएगा, 1/2 आएगा, 1/2 मतलब 0.5 ठीक है। तो म्यू की वैल्यू 1.5 हो गई, तो ये एक आंसर हो गया। अब इस म्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो है ना, इसमें पुट कर देते हैं, तो -k × 0.02
60 माइनस 80 इंटू म्यू की वैल्यू है 0.5, 0.5 इंटू 80 करोगे तो क्या आ जाएगा भैया, 40 आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब 60 माइनस 40 कितना हो गया, 20 हो गया, 20 को राइट हैंड साइड ले जाओगे तो क्या बन जाएगा, माइनस 20 बन जाएगा, ठीक है, ये माइनस साइन गायब, और के की वैल्यू क्या आ गई, के की वैल्यू आ गई 20/0.02, ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना, 1000 न्यूटन पर मीटर। यूनिट्स का ध्यान रखना है, हर चीज़ अपन SI में रखे हैं तो फाइनल आंसर भी SI यूनिट्स में ही आएगा, तो न्यूटन पर मीटर मीटर में ही आएगा, ठीक है ना। और म्यू की तो कोई यूनिट्स होती नहीं है, म्यू एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है, यूनिटलेस क्वांटिटी होता है, ठीक है। तो इसका पहला आंसर 0.5 हो गया और दूसरा आंसर 1000 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आई होप आपको समझ में आया हो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।